शाहपुर उपमंडल के बोह में बर्फबारी में भेड़ बकरियों संग फंसे भेड़ पालकों के लिए नोडल क्लब मोर्च के युवक फरिश्ता बनकर आए। बोह के खबरू झरना के पास दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते हुई बर्फबारी में बरमौर निवासी गद्दी पुहाल दुलीराम व उनका बेटा संजय कुमार 340 भेड़ बकरियों के साथ फंस गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही मोरच बंगार व गड़गुन के युवा अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़ पालकों व भेड़ बकरियों का रेस्क्यू करने निकल पड़े हैं। मोरच बंगार व गड़गुन के युवाओं ने टीम बनाकर 3 से 4 फीट बर्फ में भेड़ बकरियों के लिए रास्ता बनाया और उन्हें मोरच गांव में पहुंचाया। रेस्क्यू टीम में मदन सिंह, उत्तम सिंह, अशोक कुमार, जोगिंदर सिंह, सुरजीत सिंह, केवल सिंह आदि स्थानीय लोगों ने भेड़ बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाला। भेड़ पालक दुल्ली राम ने बताया कि वे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर बरमौर से इंदौर जा रहे थे। पिछले दो दिनों से वे खबरों में ठहरे हुए थे, लेकिन अचानक रात को भारी हिमपात हुआ। सुबह होते ही उनकी भेड़ें बकरियां बर्फ में डूब चुकी थी, जिसके चलते सुबह उनका बेटा मदद मांगने के लिए गड़गुन गांव पहुंचा, जहां से उसने मोरच के युवाओं से संपर्क साधा, जिस पर 25 से 30 युवाओं ने एकत्रित होकर खबरू से ऊपर पहाड़ में फंसी 300 के करीब भेड़ बकरियों को बर्फ से निकालकर मोरच तक ले आए। भेड़ पालक ने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कुछ भेड़ पालक जो कि बहुत दृढ़ से होते हुए इंदौरा की तरफ जा रहे थे, जिनके पास 340 भेड़ें थी, कल शाम तक 300 भेड़ें निकाली जा चुकी थी और 40 बाकी बचती थी। अभी जो सूचना मिली है उसमें 40 भेड़ों को भी निकालकर भेड़ पालक को सौंप दिया गया है। मात्र भेड़ बकरियों के फंसने की सूचना थी, जबकि किसी भी व्यक्ति के फंसने की कोई सूचना नहीं थी। हमारा फील्ड स्टाफ लगा हुआ है तथा सभी भेड़ बकरियों को निकाल लिया गया है। नागपुरी संतरे के नाम से मशहूर नूरपुरी संतरा खत्म होने के कगार पर है। अर्पण रवि ने बताया कि नूरपुर का संतरा बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहा है। इस बार संतरे का साइज भी काफी अच्छा है, संतरा खरीदने वाले भी काफी तादाद में आ रहे हैं। वही बागवान मुकेश ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जो नूरपुर का संतरा है, जिसकी वजह से नूरपुर क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी, अब उस क्षेत्र से ये संतरा समाप्त हो रहा है। संतरा समाप्त होने के क्या कारण है? संतरे से बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, आर्थिक आय बढ़ती थी। सरकार से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र का जो संतरा लिप्त हुआ है, उसे सर्वाइव करने के लिए दोबारा से उचित कदम उठाएं। अगर इसमें मिट्टी की कोई समस्या आ रही है या कोई अन्य समस्या आ रही है, वो किसानों को पता होना चाहिए। किसानों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, जिससे किसानों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं हो रही है। उस संतरे को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। नूरपुर इंदौरा क्षेत्र संतरे के नाम से पहचाना जाता था, जिसे छोटा नागपुर भी कहते थे, ताकि इस इलाके को फिर से नया जीवन दान मिल सके। सोलन में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश में बिगड़े हालात के बारे में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो विपक्ष ने नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए हामी भरी, उसे कानून बनाया और अब वे पीठ पीछे इसका विरोध कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून देश में बन चुका है, उसका विरोध करना किसी के हित में नहीं है।
इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक का सोची समझी साजिश के तहत विरोध किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दल वोट की राजनीति के लिए देश की जनता को पथभ्रष्ट कर उन्हें बरगला कर देश के हालात खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो दल पहले आतंकवादियों के हिमायती रहे हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते नजर आते हैं, उन्हें आज देश की जनता ने पस्त कर दिया है, लेकिन वे सत्ता के लोभियों की तरह देश की हालत बिगाड़ने की साजिश कर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है और वे उन्हें इस उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं होने देगी। इस मौके पर सोनल मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा नेता राजेश कश्यप, जिला महामंत्री भरत सहानी, कुमारी शिला और धर्मेंद्र विशेष रूप से उपस्थित रहे।